सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हे गाइस, मेगा हियर, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, और आप देख रहे हैं जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी के हलवे की रेसिपी। यह बहुत ही टेस्टी और ऑसम होता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसे बनाने के इंग्रेडिएंट्स और इसकी प्रोसेस। मैंने यहाँ पर ली हुई है 500 ग्राम लौकी, एकदम फ्रेश लौकी होनी चाहिए। इसे पील करके मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाती है। इसके अंदर का जो भी है पल्प वो नहीं निकालना पड़ता। फिर मैंने ली हुई चीनी 150 से 200 ग्राम, देसी घी 4 टेबल स्पून, आधा बाउल मावा लिया है, या आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। देन इलायची ली है 4-5, और अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। फिर एक कढ़ाई को हम गैस पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी मैं इसमें देसी घी डालूंगी। देसी घी से हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जो लोग लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते वो इसे खा सकते हैं हलवे को। देखिए घी मेल्ट हो गया, अब मैं इसमें लौकी डाल दूंगी। पूरी लौकी को हम इसमें डाल देंगे और हमें इसे 5 मिनटों के लिए रोस्ट करना है। देखिए इस तरह से रोस्ट कीजिए इसे। फिर मैं इसे कुक करने के लिए इसे लिड से कवर कर दूंगी। अगर हम इसे लिड से कवर करते तो ये जल्दी कुक हो जाती है। फिर 3-4 मिनटों बाद ये देखिए बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर लौकी लिड से हम लिड को हटा देंगे और इसमें मावा डाल देंगे। मावे से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी एंड ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए। फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। अभी तक जो गैस थी वो मीडियम फ्लेम पर थी, बट अब मैं इसे हाई फ्लेम पर कर दूँगी, क्योंकि हमें इसकी चाशनी बनाकर इसे जल्दी से पकाना है। अब इलायची डाल दीजिए। इलायची के दाने डाले हैं यहाँ पर मैंने। इसे मिक्स कर रही हूँ। कंटिन्यूस इसे स्टर करते रहिए जब तक कि चाशनी पूरी तरह सूख ना जाए और हलवा बनके रेडी ना हो जाए। ये देखिए चाशनी पूरी तरह से सूख चुकी है, हलवा बिल्कुल पक गया है, रेडी है। आप इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए, सर्व कीजिए दोस्तों, और गर्मा गर्म इसे इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।